के जो कल हमने देखा था कि कल का जो हमारा टॉपिक था वो एलिमिनेशन मेथड था, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। वैसे कल इसके ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे और बहुत सारे बच्चे आज मतलब नए जुड़े हैं, कल नहीं थे क्लास के अंदर। तो एक काम कर लेते हैं कि आज भी थोड़ा सा जो सब्स्टिट्यूशन मेथड था उसका बैकग्राउंड, उसकी जो बेसिक कंसेप्ट है, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। कोई बात नहीं, अगर आपने कल ज्वाइन नहीं किया था नो प्रॉब्लम, मैं आज आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। वैसे हमारी चार मेथड थी, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ग्राफिकल एंड रिडक्शन मेथड। अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। इस क्लास में आपको सिर्फ देखना है, ऑब्जर्व करना है, एनालाइज करना है कि कैसे मेथड वर्क कर रही है आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए। आपको मतलब सिर्फ ऑब्जर्व करना है बस, और कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे बताना है, जहाँ पे स्टेप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताना, ठीक है। ओके, जैसे मैं कोई क्वेश्चन ले रहा हूँ, मैंने आपको कल ही बताया था कि पूरे चैप्टर के अंदर आपको दो दो क्वेश्चन साथ में मिलेंगे, क्योंकि तो चैप्टर के अंदर पेयर को आपको सॉल्व करना होता है, जो आपकी एक्स और वाई की वैल्यू है वो पेयर के लिए सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे हमेशा दो क्वेश्चन आपको साथ में मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, 2x+2y, 2x+2y इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे ले रहा हूँ x+y इज इक्वल टू 3। जैसा कल हमने देखा था, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 1 और इसको 2 नाम दे देंगे। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आपको यहाँ पे देखना है कि कौन सी वाली इक्वेशन है वो इजी इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है वो इजी है, जो मतलब जिसमें कोफिशंट्स की वैल्यू है वो कम आ रहा है, वो आपको देखना है। तो आप देख सकते हो कौन सी वाली इक्वेशन इजी है। सेकंड इक्वेशन थोड़ी सी आपको मतलब इजी लगेगी, उसमें कोफिशंट्स कम है। तो मैं यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 बना लेता हूँ। मैं हमेशा एक्स के लिए सॉल्व करता हूँ, इसीलिए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं इस वाई को यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, तो वाई माइनस 3, ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब आपने इक्वेशन नंबर 3 है वो 2 में से बनाया है, आपने इक्वेशन नंबर 3 है वो इक्वेशन नंबर 2 में से बनाया है, तो आप क्या करोगे, ये इक्वेशन को है ना 1 में रखोगे, पुट इक्वेशन नंबर 3 इन 1, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 में लिख लेता हूँ, 2x+2y इज इक्वल टू 4। अब जहाँ पे x होगा वहाँ पे मैं क्या करूँगा, जहाँ पे x होगा वहाँ पे मैं ये वाली वैल्यू पुट करूँगा, y माइनस 3, y माइनस 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 4, यहाँ पे y है। ओके, अब इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ये हो गया 2y माइनस 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 4, यहाँ पे 2y प्लस 2y और ये 6 को आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो, तो 4 यहाँ पे 6 माइनस में था, उधर जाके 6 प्लस में हो जाएगा, ये हो गया 4y इज इक्वल टू 10। इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 10/4। थोड़ा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, ये हो गया 5 2 ज़ा और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा। आपने 2 2 को हटा दिया तो y इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 5/2। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या देंगे, इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे, राइट। अब ये इक्वेशन नंबर 4 है वो कहाँ जाएगी, इक्वेशन नंबर 3 में। तो क्या लिखोगे आप, पुट 4 इन 3, पुट 4 इन 3
फोर क्या था हमारा, एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री। अब जहाँ पे वाई होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइव बाई टू रखेंगे। एक्स इज इक्वल टू, जहाँ पे वाई है वहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइव बाई टू रखेंगे, माइनस थ्री। एक्स इज इक्वल टू, देखो मैंने यहाँ पे वाई की वैल्यू प्लेस कर दी, ठीक है। अभी आपको पता है ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। अब इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर दो, तो फाइव यहाँ पे हो जाएगा, टू थ्री जा सिक्स बाय, ये टू एज इट इज नीचे आएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू। फाइनली आपके पास एक्स और वाई दोनों की वैल्यू आ गई है। चलो एक और सम लेके आ रहा हूँ, थ्री वाई माइनस टू टू एक्स इज इक्वल टू फोर, और वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू थ्री। देखो क्वेश्चन थोड़ा आपको मतलब लगेगा कि थोड़ा मतलब ये क्वेश्चन कभी देखा हुआ नहीं है ऐसा, बट इनको आपको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। हम हमेशा क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू पहले लिखते हैं, वाई को बाद में लिखते हैं, तो इनको थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं पहले। माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू फोर, इसको भी अरेंज कर लेते हैं। माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री, अब इसको नाम दे दो वन और इसको नाम दे दो टू। देख सकते हो आप दोनों में से कौन सी वाली इक्वेशन इजी है, सेकंड इक्वेशन इजी है, तो मैं क्या करूँगा, सेकंड में से इक्वेशन नंबर थ्री बनाऊंगा। तो यहाँ पे देखो y के आगे तो प्लस की साइन है और x के आगे माइनस की साइन है, तो अगर मैं इस x को यहाँ पे लेके आ जाता हूँ तो मुझे y क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, थ्री प्लस एक्स मिल जाएगा। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर थ्री हो गई। अब मैंने कल ही बताया था आपको कि आपने इक्वेशन नंबर थ्री है वो इक्वेशन नंबर टू में से बनाई है, तो आप वही इक्वेशन को वापस टू में नहीं रख सकते। अगर आपने इक्वेशन नंबर थ्री टू में से बनाया है तो आप वो कहाँ रखोगे, इक्वेशन नंबर वन में रखोगे। ये आप कहाँ रखोगे, इक्वेशन नंबर वन में रखोगे। तो यहाँ पे पुट इक्वेशन नंबर थ्री इन वन। अब इक्वेशन नंबर वन क्या थी हमारी, माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू फोर, जहाँ पे वाई होगा वहाँ पे मैं, जहाँ पे वाई होगा वहाँ पे मैं क्या करूँगा, थ्री प्लस एक्स रखूँगा। प्लस देखो यहाँ पे वाई की वैल्यू हमें प्लेस करनी है, जहाँ पे वाई होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू प्लेस करेंगे, थ्री प्लस एक्स। देखो यहाँ पे y था, हमने y की वैल्यू प्लेस कर दी, माइनस टू एक्स प्लस थ्री थ्री जा नाइन हो गया और थ्री प्लस एक्स थ्री एक्स हो गया इज इक्वल टू फोर। माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स, और आप इस नाइन को इधर लेके आ जाओ, तो फोर माइनस नाइन, माइनस टू एक्स प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू वन एक्स हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस कैसे किया, माइनस टू प्लस थ्री आपको पता होगा प्लस माइनस माइनस होता है, तो थ्री में से टू को सब्सट्रैक्ट करो वन बचेगा, और दोनों में से बड़ा कौन है, थ्री बड़ा है, तो थ्री के आगे साइन किसकी है, प्लस की है, इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस फाइव हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव, नीचे वन लिखने का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई, फोर आ गई।
अभी हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, हमें y की वैल्यू भी चाहिए, राइट? तो हम क्या करेंगे, पुट 4 इन 3, पुट 4 इन 3, हम क्या करेंगे इस इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3 में प्लेस करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, y इज इक्वल टू 3 प्लस x, y इज इक्वल टू जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे -5 की वैल्यू प्लेस करेंगे, y इज इक्वल टू 3 माइनस 5, y इज इक्वल टू -2। तो फाइनली हमारे पास x इज इक्वल टू -5, y इज इक्वल टू -2, ये आंसर आ गया। अभी भी किसी को प्रॉब्लम है इसी स्टेप में, किसी को समझ में नहीं आ रहा है मुझे बता सकता है, कोई स्टेप में कोई समझ में नहीं आ रहा मुझे बता सकता है, एनीवन? सबको वॉइस वीडियो क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है? यस। एक्स प्लस टू वाई मैं जिसको बोलूंगा मुझे आंसर बताएगा, -1 12। यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन है, ओके मैं कनेक्ट कर लेता हूँ मीटिंग। कितने बच्चे हैं, शुरुआत करेंगे तक्स से। तक्स इसमें से कौन सी इक्वेशन हम फर्स्ट इक्वेशन, हाँ इक्वेशन फर्स्ट इजी लग रही है, इसमें कोएफिशिएंट्स बहुत कम है, तो इक्वेशन फर्स्ट है वो इजी है हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में से हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 3 बनाएंगे, 2x = -1 - x। क्या लिखूं मैं यहाँ पे, 2x = -1 - x - 1 - x - x, ओके। बट मुझे तो सिर्फ y चाहिए, 2y नहीं चाहिए, y को नीचे भेज दो, डिवाइड मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, -1 - x डिवाइड बाय 2। ये क्या हो गया, इक्वेशन 3 बन गई, राइट? अब इसको कहाँ रखेंगे हम, इक्वेशन 3 हमने कहाँ से बनाई है, इक्वेशन 1 में से बनाई है, तो हम 1 में तो रख नहीं पाएंगे, उसको किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। पुट इक्वेशन नंबर 3 इन 2। श्रद्धा यस सर, आगे वैल्यू बताओ, 2x - 3y = 12 - अब y की जगह पे हम क्या करेंगे, -1 - x ओके। आगे सॉल्व कराओ, टू एक्स या कुछ और कुछ और कर सकते हैं यहाँ पे, ये मैंने आपको एक रूल सिखाया था, ये टू किसके पास जाएगा, फोर एक्स माइनस ये रूल सिखाया था मैंने आपको पहले, -1
नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो दोनों के पास चला जाएगा। ओके 4x, यहाँ पे इस 3 को अंदर लेके जाओ आप, और देखो दोनों के पास माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इसको भी लेके जाओ इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 3 इंटू एक्स 3x हो गया इज इक्वल टू 24। अब इसको साथ में लेके आ जाओ, दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो यहाँ पे 4x प्लस 3x, और इस 3 को यहाँ पे आप शिफ्ट कर दो, माइनस 3 7x इज इक्वल टू 21। शिवांग आगे सॉल्व कराओ। शिवांग यस सर आगे बताओ। x इज इक्वल टू 21 बाय 7, x इज इक्वल टू 21 बाय 7, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। इसको हम एज्यूम करेंगे कौन सी इक्वेशन शिवांग, थर्ड वन, थर्ड आ गया, देखो थर्ड ये रही हमारी, तभी इसको क्या नाम देना है, 4, 4, और इस 4 को हम कहाँ रखेंगे, 3 में, ओके, नेक्स्ट राधिका, यस सर, सॉल्व कराओ, कौन सी इक्वेशन किस में रखनी है, 4 को थर्ड वाले में, ओके सॉल्व कराओ, सॉल्व कराओ जल्दी से, x plus 2y which is equal to minus 1 कहाँ पे, थर्ड वाले है, यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, कौन बोले, माइनस 1 माइनस x डिवाइड बाय, पहले आपको इक्वेशन नंबर 3 तो लिखना पड़ेगा ना, और उसमें x की वैल्यू रखनी है आपको, जहाँ पे x होगा वहाँ पे क्या करेंगे, माइनस 3 रख देंगे, माइनस 3 डिवाइड बाय 2, y इज इक्वल टू माइनस 4 बाय 2, कितना आंसर आएगा, माइनस 2। देखो हमारे पास x और y दोनों आ गए, x की वैल्यू कितनी आई, x इज इक्वल टू आ गया 3 और y इज इक्वल टू आ गया -2। चलो एक और क्वेश्चन लेंगे, प्रियांशी बताएगी इसके अंदर, थ्री एक्स माइनस सेवन वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये सारे क्वेश्चन आपके बुक के हैं, y माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। प्रियांशी सेकंड वाला ले लो इक्वेशन, सेकंड वाला क्या करेंगे हम, अरे मगर ये तो कुछ गड़बड़ गड़बड़ लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रहा है भाई, देखो यहाँ पे तो 0-0 दिया हुआ है, कैसे सॉल्व करें, पता बताओ, छोड़ दो क्या नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे हम, क्या करेंगे इस वाले कंपोनेंट को यहाँ पे लेके आ जाएंगे, ठीक है, 3x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 10 हो गया, y माइनस 2x इज इक्वल टू, ये माइनस में था तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ओके आप कोई डिसाइड कर सकते हो प्रियांशी, सेकंड वाला होगी, सेकेंड वाला बोलो क्या लिखूं मैं यहाँ पे, x या y, y y y इज इक्वल टू क्या क्या लिखूं, 3 plus 2x, ये कौन सी इक्वेशन बनेगी, थर्ड थर्ड वन, अच्छा
लास्ट बार बता दो, ये थर्ड इक्वेशन को किस में रखना है? इक्वेशन फोर तो आई नहीं है। नहीं नहीं, एक मिनट, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वन में, क्योंकि थर्ड को हमने टू में से बनाया है। ठीक है, ओके। राधिका, राधिका हो गया, प्रियांशी, प्रिंस, प्रिंस हाँ सर, बताओ। देखो कुछ बच्चे अभी ऐड हो रहे हैं सर, पहली वाली में, थर्ड वाले। हाँ हाँ बताओ बताओ, तुम बोलोगे मैं लिखूंगा, वैसे तुम बताओ जल्दी से। 3x 3x-7y is equal to minus 10. 3x-7y is equal 7. to minus 10. Minus. Okay. तुम बताते चलो, मैं लिख दूँगा। 3x-7 bracket 3 + 2x. 3 + 2x, good. Minus is 10. equal to minus. ओके, आगे सॉल्व कराओ जल्दी से। 3x माइनस 20, माइनस की साइन है। हाँ, 21 प्लस माइनस 14x माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस। खुशी, खुशी, यस यस, आगे बताओ। अभी लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे और उस साइड माइनस 21 को प्लस 21 करेंगे। ओके, माइनस 10 प्लस 21। क्या आएगा खुशी? माइनस 11 माइनस 11 x इज इक्वल टू माइनस 11 माइनस 11 प्लस 11 क्या आएगा? प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11 ओके, x इज इक्वल टू 11 बाय माइनस 11 कट हो गया, आंसर आएगा आपका x इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, क्या नाम देना है इसका, कौन सी इक्वेशन? फोर, इक्वेशन नंबर फोर। ओके जेनी, जेनी, यस सर, हाँ अब बताओ आगे क्या करना है। फोर्थ वाली को फर्स्ट वाली से करना, फोर्थ को फर्स्ट में या फोर्थ को सेकंड में या फोर्थ को थर्ड में, किसमें रखो बताओ? थर्ड में। थर्ड में, अच्छा, पुट इक्वेशन नंबर फोर इन थ्री, यहाँ पे क्या लिखो अब मैं? y इज इक्वल टू 3 + 2x, y इज इक्वल टू 3 + 2x, जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस वन रखेंगे, माइनस वन, 3 + y, यहाँ पे हम माइनस वन रखेंगे। y इज इक्वल टू 3 + -2 हो गया, y इज इक्वल टू 1। ये हो गया आपके पास, x की वैल्यू आ गई माइनस 1 और y की भी वैल्यू आ गई 1। ये आ गया आपका आंसर। अब समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा सा, जैसा सारा कुछ समझ में आ गया। ओके नेक्स्ट दिग्विजय, आखिरी सम करेंगे हम। सेवन वाई प्लस 3 माइनस 2x + 2 इज इक्वल टू 14। बच्चे एक बार ट्राई करेंगे, अगर नहीं आएगा तो मैं सिखाऊंगा। वाई माइनस 2 प्लस 3x - 2, सॉरी x माइनस 3 है,
इज इक्वल टू टू। ओके एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, वाई प्लस थ्री माइनस टू एक्स प्लस टू, 14 वाई माइनस टू प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू टू। ओके फाइन, देखो क्वेश्चन हमें जिस तरीके का क्वेश्चन चाहिए वैसा क्वेश्चन है नहीं अभी तक, मतलब उस फॉर्मेट में नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। एक लीनियर फॉर्म में आना चाहिए क्वेश्चन, उस तरीके से नहीं है। तो हमारा पहले काम क्या बनेगा कि हम क्या करें, क्वेश्चन को उस फॉर्मेट में लेके आए। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे x और y के फॉर्म में क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन को है ना ब्रैकेट के फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको अंदर लेके जाएंगे दोनों के पास। ये आपका आर डी शर्मा में से क्वेश्चन लिया हुआ है, रेफरेंस बुक है आर डी शर्मा, उसमें से लिया हुआ है। 7y प्लस 7θ कितना हो जाएगा 21, और ये इसको माइनस कर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा माइनस 2x, मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा माइनस 4 इज इक्वल टू 14। अब आप x और y को इस साइड लेके आ जाओ, सेवन वाई माइनस टू एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 माइनस 4 इज इक्वल टू 14। इनको सॉल्व कराओ, दिख भी जाए। ध्वनि इसको सॉल्व करो, प्लस 23 इट इज इक्वल टू 14। हाँ प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस या प्लस 17 प्लस 17 14। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर दो, 7y माइनस 2x इज इक्वल टू 14 माइनस 17, 7y माइनस 2x इज इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस 3। माइनस 3। अब देखो हमारा क्वेश्चन अब जाकर बना है, देखो अभी हमारा क्वेश्चन बना, सिमिलरली दूसरा भी हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा। अदनान इसको यहाँ पे लेके जाएंगे हम, तो ये हो गया 4y मल्टीप्लाई करवा दिया माइनस 8 प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 3x, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ माइनस 3 माइनस 9 इज इक्वल टू 2। अब इनको हम साथ में ले लेंगे तो ये हो गया 4y प्लस 3x माइनस 8 माइनस 9 इज इक्वल टू 2। थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे इसको हम, 4y प्लस 3x तक्स माइनस 17 माइनस 17 इज इक्वल टू 2। ये 17 गया यहाँ पे, 4y प्लस 14y प्लस 3x इज इक्वल टू 2 प्लस 17 इज इक्वल टू 19। 4y प्लस 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 19। अब ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1 और ये बनेगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। आप चाहो तो इसको फिर एलिमिनेशन से यूज कर सकते हो या फिर सब्स्टिट्यूशन से भी इसको आप फाइंड कर सकते हो। आगे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नया था इसलिए मैंने आपको सिर्फ इक्वेशन बनाना सिखा दिया, आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। एक बार एक और नया क्वेश्चन ले लेते हैं हम, उसमें थोड़ा सा मतलब कुछ अलग हो। हाँ 0.4x प्लस 0.3
ये आपका एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है 1.7। बच्चे क्या करते हैं कि पॉइंट वाला क्वेश्चन देख के उसको छोड़ देते हैं। 0.7x प्लस 0.2y इज इक्वल टू 0.8। अभी क्या करना है देखो, आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको डेसिमल के रूल्स आपको पता होंगे, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4/10 एक्स प्लस 3/10 वाई इज इक्वल टू 17/10, ऐसा हम लिख सकते हैं। और इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं हम, 7/10 एक्स प्लस 2/10 वाई इज इक्वल टू 8/10। अभी आप देखो इज इक्वल टू के इस साइड भी डिनोमिनेटर सेम है और इज इक्वल टू के आरएचएस में भी क्या है, डिनोमिनेटर सेम है। तो आप क्या कर सकते हो, इजीली सारे 10 को कट कर सकते हो, ये 10 सारे कट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा हमारे पास, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 17। और सेकंड इक्वेशन क्या बची हमारे पास, 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 8। इसको आप 1 नाम दे सकते हो और इसको 2, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन देखिए, मतलब एकदम कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि पॉइंट वाला क्वेश्चन है कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये पॉइंट वाला क्वेश्चन सब बिल्कुल मतलब एक इजी फॉर्मेट में आ गया। अब आप इसको एलिमिनेशन लगा के सॉल्व कर सकते हो या फिर सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, एक और क्वेश्चन लिया जाए, इसमें सिर्फ मेथड देखेंगे हम। एक्स बाई टू प्लस वाई इज इक्वल टू 0.8 और यहाँ पे y बाई थ्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 2। यहाँ पे एक नंबर फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको हम 1 दे देंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2। सिंपल फॉर्मेट में लेके आ जाना है, इसको मैंने बताया था आपको रूल कि ये 2 है इसके पास भी जाएगा और ये इसके पास भी जाएगा और ये 3 है इसके पास भी जाएगा और ये इसके पास भी जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0.8 इंटू 2 करना है आपको। अगर आपको नहीं आ रहा है पॉइंट वाला मल्टीप्लिकेशन तो 0.8 इंटू 2, 8 2 16, 200 प्लस 1 1.6। और यहाँ पे y प्लस 3 इसके पास भी गया तो 3x हो गया और 3 2 6, इक्वेशन 1 बन गई और इक्वेशन 2 बन गई, ठीक है। आप अपने हिसाब से देखो, मतलब x की वैल्यू बना के या y की वैल्यू बना के आप सॉल्व कर सकते हो। टाइम नहीं है हमारे पास, मीटिंग ख़त्म हो जाएगी इसलिए टाइमिंग ख़त्म हो गया है। तो हम इस क्वेश्चन को यहीं पे रहने देते हैं, जो आपका नेक्स्ट सेशन आएगा 10 मिनट के बाद आपका नेक्स्ट सेशन आएगा अभी, उसमें हम एक नई मेथड देखेंगे। हमारी अभी तक एलिमिनेशन हो गई है, सब्स्टिट्यूशन हो गई है और अभी हम जो स्टार्ट करेंगे वो मे बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे या फिर उसके पहले एक काम करेंगे ग्राफिकल। ग्राफिकल मेथड इजी है, एक सेशन में आपका हो जाएगा। तो नेक्स्ट सेशन आएगा अभी 10 मिनट के बाद, उसमें हम ग्राफिकल मेथड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी से आपको 5 या 10 मिनट का मैं ब्रेक दे रहा हूँ, 10 मिनट के बाद फिर से मैं एक बार को लिंक भेजूंगा, उस पर आप कनेक्ट हो जाना। चलो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।